असलम अमरीवन कैसे हैं सब लोग वेलकम टू अनदर वीडियो आज पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल टी ट्वेंटी कप का दूसरा लेग शुरू होने जा रहा है जिसमें आज दो मैचेस खेले जाएंगे पहला मैच तीन बजे और दूसरा मैच एज यूजुअल सात बजे शुरू होगा सेवन थर्टी पे इससे पहले चौदह मैचेस मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए थे जो कि नेशनल टी ट्वेंटी कप का पहला लेग था तो आज से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सारे मैचेस शिफ्ट हो चुके हैं सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर दें बिल्कुल लेटेस्ट क्लिप्स हैं जो कि हमारे वेरी फेमस जर्नलिस्ट हैं अरफा फ़ेरोज़ जकीन है उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी अपलोड की तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये स्टेडियम का लेटेस्ट व्यू है जस्ट बिफोर द मैच आप देख सकते हैं स्टैंड्स में हर टीम के लोगों से स्टैंड्स को सजाया हुआ है और अभी यहाँ पे काम चल रहा था और अभी तीन बजे लाइव ब्रॉडकास्टिंग में भी आपको स्टेडियम दिख जाएगा तो चलिए आपके साथ और पिक्चर्स भी शेयर कर देते हैं इनसाइड व्यू है मीडिया बॉक्स का मीडिया बॉक्स के अंदर का इन्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दो मैचेस खेले जाएंगे लेकिन किन टीमों के दरमियान खेले जाएंगे वो भी बता देता हूँ पहला मैच नॉर्दर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब के दरमियान खेला जाएगा सेंट्रल पंजाब की क्यादत में भी बाबर आज़म करें क्योंकि वापस आ चुके हैं और दूसरा मैच सिंध की टीम और साउदर्न पंजाब के दरमियान खेला जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग का भी आपको बता देता हूँ काफ़ी सारे चैनल्स जो हैं वो वीडियोज़ इस तरह बना के अपलोड करते हैं और उसमें फिर स्ट्रीमिंग नहीं होती लेकिन मैंने टाइटल में जैसे लिखा है उस तरह आपको बता भी देता हूँ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है पी के ऑफिशियल चैनल पे भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और पी टी वी स्पोर्ट्स पर भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको फेसबुक पर देखना है वहाँ पर सर्च में सिंपल लिखे नेशनल टी ट्वेंटी कप लाइव वहाँ पर बहुत सारे चैनल लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेकिन यूट्यूब पर कापी राइट इशूज़ होते हैं तो ज़्यादातर चैनल नहीं हो नहीं होते लाइव सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स पर आप देखेंगे और इन श्ला पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ब्रॉडकास्टिंग भी अच्छी होगी ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है बाकी तमाम एस ओ पीज़ का ख्याल रखा जा रहा है आप देख सकते हैं मीडिया बॉक्स के अंदर प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह स्टे 6 फीट अपार्ट सोशल डिस्टेंसिंग ये सारे साइन बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं तो तमाम एसओपीस का ख्याल रखा जा रहा है और इंशाल्लाह ब्रॉडकास्टिंग भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मैं आप सबके कमेंट्स रीड करता हूं पिच को भी तैयार कर दिया गया है आप देख सकते हैं सामने काम चल रहा था तो सारा क्रेडिट जाता है ग्राउंड स्टाफ को इसी तरह मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भी उस स्टेडियम का ख्याल रखा गया था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी आप देख सकते हैं तमाम स्टैंड्स को सजाया हुआ है और ये अच्छा लुक देंगे ब्रॉडकास्टिंग के दौरान खैर उस तरह तो नहीं है लेकिन फिर भी डोमेस्टिक लेवल पर काफ़ी बेहतर है और लेट्स सी एक कैसी ब्रॉडकास्टिंग हमें देखने को मिलती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की ब्रॉडकास्टिंग अच्छी थी या मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो हुई थी वो बेस्ट थी खैर इसमें आप कोई ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं कर सकते क्योंकि वही ब्रॉडकास्टिंग टीम है लेकिन मे बी वेदर की वजह से और स्टेडियम के चेंज होने की वजह से थोड़ी बहुत बेहतरी आए ब्रॉडकास्टिंग में लट्स सी कि आज कैसी ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिलती है तो चलिए मैच इन्जॉय कीजिए और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ अपना ख्याल रखिएगा मैंने सोचा आपके साथ पहले मैच की पहले की कुछ मोमेंट्स शेयर कर दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि स्टेडियम को कैसे सजाया जा रहा है और स्टेडियम का फाइनल लुक कैसा होगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें मुझे मोटिवेशन मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊँगा इन शाला अरब स्टेडियम की भी अपडेट आ रही है और हैत्या स्टेडियम की भी आपके साथ शेयर करूँगा बस ये यिक सी वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी अपना ख्याल रखिएगा जिस यू ऑफ टेक केयर अल्लाह हाफिज़